अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से डिवाइड करने का सिलसिला जारी है और अब हमारे पास एक और सवाल यहाँ सामने है और यहाँ पर भी हमेशा की तरह हम सबसे पहले फर्स्ट रॉ में गिवन एक्सप्रेशन गिवन पॉलिनोमियल के तमाम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लिख देंगे, मगर हमेशा की तरह तरतीब का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को कोएफिशिएंट, देन इससे छोटी पावर, फिर इससे छोटी पावर और आखिर में सबसे छोटी पावर यानी कि जीरो, और कांस्टेंट भी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि जब पावर जीरो जाती है तो वही कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले x टू दी पावर 5 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। x की पावर 5 के बाद बारी आती है x टू दी पावर 4 की, मगर आप देख सकते हैं यहाँ x टू दी पावर 4 की टर्म मौजूद ही नहीं, इट मीन्स कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो है, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। उसके बाद बारी आएगी x क्यूब की, x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। फिर बारी आएगी एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव 2 है। फिर बारी आएगी पावर 1 की, यानी कि बिल्कुल तरतीब चल रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऊपर पावर्स भी मेंशन कर दें, एक्सपोनेंट्स या पावर्स, तो ये पावर 5 है, ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, और अब हम पावर 1 के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है। तो आप जानते हैं एक्स पावर 1 यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कि इसका भी कोएफिशिएंट 0 है, और आखिर में हम लिखेंगे पावर 0 का कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट, वो नेगेटिव 3 है। तो हमारे पास पावर 5 वाली टर्म मौजूद थी, ये मौजूद नहीं थी, पावर 3 वाली टर्म मौजूद थी उसका कोएफिशिएंट आ गया, पावर 2 वाली टर्म भी मौजूद थी इसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पर आ गया, पावर 1 वाली टर्म सवाल में मौजूद नहीं थी, यही वजह उसका कोएफिशिएंट ने 0 लिखा और कांस्टेंट नेगेटिव 3 यहाँ पर आ गया। और साथ ही साथ आप जानते हैं फॉर परफेक्ट डिवीजन फैक्टर मस्ट बी 0, तो अगर x प्लस 1 0 के इक्वल है तो यकीनन x की वैल्यू फिर -1 बनती है, और जो x की वैल्यू बनती है, जो x का रूट बनता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं -1। और आप जानते हैं हमेशा की तरह थर्ड रॉ में फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे। सेकंड पोजीशन का रिजल्ट जानने के लिए हम थर्ड रॉ में मौजूद जो अभी अभी हमने नंबर लिखा उसको हम इस फैक्टर से आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेगेटिव 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -1, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 एंड -1 मेक्स -1। फिर अभी भी थर्ड रॉ में जो रिजल्ट आया उसको हम फिर उठा के बाहर मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम +1, इधर फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 एंड 1 मेक्स 2। थर्ड रॉ में जो अभी अभी रिजल्ट आया उसको फिर उठा के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2, और -2 और -2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -4। अभी अभी जो -4 आया है अब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -+ हो जाएगा और 1 × 4 = 4 बनेगा। फिर 0 और 4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0+4 बनेगा 4। फिर थर्ड रॉ में जो अभी अभी रिजल्ट आया उसको हम हमेशा की तरह बाहर मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -+-, 1 × 4 = 4, और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आता है -3 और -4 = -7। तो अब हमेशा की तरह हम रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और रिमाइंडर भी लिखेंगे, और इस बार रिमाइंडर 0 नहीं आया, जिसका साफ मतलब है कि ये जो x प्लस 1 है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो इसको परफेक्टली डिवाइड करता, और परफेक्टली डिवीजन अगर होता तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर -7 नहीं आता बल्कि 0 आता। तो आप जानते हैं हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो 5th डिग्री एक्सप्रेशन थी, यानी कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 थी। तो आप जानते हैं जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें हमेशा पावर एक दर्जे नीचे गिर जाती है, यानी कि अब यहाँ जो थर्ड रॉ में मौजूद पहला नंबर है ये x टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट बनेगा, क्योंकि हमें सवाल में हाईएस्ट पावर 5 गिवन थी, तो कोएफिशिएंट में x टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट ही 1 बनेगा, और 1 कोएफिशिएंट के तौर पे लिखते रहे। उसके बाद बारी है x क्यूब की, x क्यूब के साथ आएगा -1, अगेन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बारी है x स्क्वायर की, x स्क्वायर के साथ 2 आएगा। फिर बारी है x की, x के साथ -4 आएगा। फिर बारी है कांस्टेंट की, कांस्टेंट +4 है, ये आंसर आ गया, यानी कि x पावर 0, और x पावर 0 हम लिखते नहीं तो यही वजह है कि कांस्टेंट बन गया। तो आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा जवाब मौजूद है 4, 3, 2, 1 और 0, इस तरह से पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखी गई हैं। अब हम रिमाइंडर लिखेंगे,
रिमाइंडर आप देख सकते हैं, लास्ट कॉलम का जवाब हमेशा सिंथेटिक डिवीजन में रिमाइंडर होता है जो कि नेगेटिव 7। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।